वक्त बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, बेहद अहम खबर। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया है। आपको बता दें कि कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है, जिसके चलते अलका लांबा ने उन्हें थप्पड़ जड़ा। अलका लांबा के बेटे के खिलाफ वह टिप्पणी की गई थी इस युवक के द्वारा, जिसके बाद उन्होंने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ थप्पड़ मारने की कोशिश की। और थप्पड़ मारने की आप देख सकते हैं ये तस्वीरें भी बयां कर रही, किस तरीके से अलका लांबा पहले बातचीत करती हुई नजर आती है। उसके बाद ये युवक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके बेटे को लेकर कुछ टिप्पणी करता है धीरे से। उसके बाद उनकी अटेंशन इस युवक की ओर जाती है और वो आगे बढ़ती है थप्पड़ जड़ने के लिए। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ा। कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके बेटे को लेकर इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता युवक ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद अलका लांबा ने शिकायत ये थप्पड़ मारा। कांग्रेस उम्मीदवार है अलका लांबा और अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है। और इसका कारण ये है कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अलका लांबा के बेटे को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा था, जिसके बाद जैसे ही उनका ध्यान उसकी तरफ गया, उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने उसकी तरफ थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी और बीच बचाव कराया गया। वहीं पुलिस भी मौजूद थी इस मौके पर। इस कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। तो दिल्ली के दंगल में वोटिंग के दौरान ये बड़ी खबर आ रही है निकल के सामने, जहां अलका लांबा वोट डालने के लिए पहुंची थी और इसी बीच आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनके बेटे को लेकर कुछ टिप्पणी करता है, उसके बाद अलका लांबा उसे थप्पड़ मारती है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। शैलेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। गणेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने अलका लांबा के बेटे को लेकर कुछ टिप्पणी की है, तो बता दें कि इस कार्यकर्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अलका लांबा के बेटे के खिलाफ टिप्पणी की थी इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, जिसके बाद अब अलका लांबा ने इस थप्पड़ मारने के बाद से पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार है अलका लांबा। तो तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस तरीके से अलका लांबा इस युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। अलका लांबा के बेटे के खिलाफ इस युवक ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद अलका लांबा उसकी ओर बढ़ी और थप्पड़ जड़ दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार है अलका लांबा। दिल्ली की तस्वीरें हैं। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा और ये सारा वाकया कैमरे में कैद हो गया। आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता पर। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ दिल्ली में दनादन वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ इस तरीके की खबर भी निकलकर सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता ने अलका लांबा के बेटे को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले, जिसके बाद से अलका लांबा ने अटेंशन लेते हुए। और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता धनेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनेंद्र जी, जिस तरीके से, अगर आप भी पता हो ये वाक्या कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने अलका लांबा जी के बेटे को लेकर कहा, उसके बाद उन्होंने उसको थप्पड़ मारा, क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पूरे वाक्या को लेकर? देखिए, मैंने उसकी जानकारी जुटाई है। वो कार्यकर्ता सिर्फ इतना कह रहा था कि अलका जी ने धोखा दिया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को। 2015 में दिल्ली के लोगों ने, चांदनी चौक के लोगों ने अलका लांबा को वोट नहीं दिया था, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था। और जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की पीठ में छुरा घोंप के गई, धोखा देने का काम करा, आज कार्यकर्ता उनसे कह रहा है कि आप धोखेबाज हो, आपने हमें धोखा दिया, इसमें गलत क्या, इसमें सभ्य क्या है? लेकिन घनेन्द्र जी, जिस समय वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, ये एक सरकारी प्रक्रिया है, इसे बाधित करने की कोशिश की गई है। अलका जी ने करा थप्पड़ मार के, लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना कहां तक उचित है? वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। अरे तो ये तो वर्कर पूछ रहा है, वर्कर कह रहा है आपने हमें धोखा दिया, इसमें गलत क्या है? वर्कर को यही समय मिला था, इसी जगह यही जगह मिली थी बात। वर्कर कब से मांग रहा है? वर्कर ने तो ये आपने देखा होगा पोलिंग स्टेशन के बाहर की है, पोलिंग स्टेशन के अंदर की घटना नहीं है। पोलिंग स्टेशन बाहर कोई वॉलंटियर खड़ा है, कोई वर्कर खड़ा है,
और वो अलका जी से कह रहे हैं कि आपने धोखा दिया, तो इसमें गलत क्या, इसमें सभ्य क्या है? यानी कि घनेन्द्र भारद्वाज जी, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की गलती नहीं मानते हैं? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसने कोई गलत बात नहीं करी, कुछ उसने असभ्य शब्द नहीं बोला, कोई उसने अपमानजनक शब्द नहीं करा बोला। जो अलका लांबा ने शिकायत करी है वो ये है कि उनके बेटे के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता के द्वारा। हमने भी शिकायत करी कि अलका जी पे सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अलका जी इस तरीके से आज लोकतंत्र का जो पर्व मना रहे थे और उसमें जिस तरीके से उन्होंने हाथापाई करी, थप्पड़ मारा, ऐसी घटना लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, आपने शिकायत कर दी, लेकिन घनेन्द्र जी ये बस पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा टिप्पणी की गई है इसका समर्थन करते हैं, सही जायज ठहराते हैं इसे? मैंने क्या बोला है, अगर अलका लांबा ने धोखा दिया तो उसको धोखेबाजी तो बोलेंगे, उसको बताओ आप हिंदी डिक्शनरी में और कौन सा वर्ड है। लेकिन मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि धोखेबाज को धोखेबाज नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चलिए घनेन्द्र भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अलका लांबा के बेटे को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी, जिसके बाद अलका लांबा ने अटेंशन लेते हुए उसकी तरफ बढ़ी और उसको थप्पड़ जड़ दिया। आपको